हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। तो ये कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट प्राइम डिजिट्स ऑफ द नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करिए आपने जो नंबर इंटर किया वो 3, 4, 6, 7। तो इसके जो डिजिट्स होंगे वो क्या हैं, 3, 4, 6 एंड 7। ये चार डिजिट्स हैं इसके, राइट। अब इसमें से स्क्रीन पे वही डिजिट्स प्रिंट करना है फ्रेंड्स जो प्राइम है। जैसे इसमें 3 एंड 7 प्राइम है तो हमें क्या प्रिंट करना है, 3 एंड 7। ठीक है, 4 और 6 प्राइम नहीं है तो ये हमें प्रिंट नहीं करना है। आप प्रॉब्लम को एक बार और पढ़ सकते हो। क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, एक नंबर इनपुट करना है एंड प्रिंट प्राइम डिजिट्स ऑफ द नंबर, राइट। तो अब एडिटर पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड और एसटीडीओ डॉट एच, राइट। और फिर लिखते हैं INT मेन, और हमें एक नंबर इनपुट कराना है तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जहां पर हम नंबर को स्टोर कर सकते हैं। तो यहां लिखते हैं INT n, फिर यूजर को मैसेज दे देते हैं printf enter the number, राइट। और फिर जो भी यूजर नंबर इनपुट करेगा उसको रीड करके हम लोग स्टोर करा लेंगे n में। तो उसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, scanf, और यहां लिखेंगे %d और इसको n में स्टोर करा लेंगे, %n, दैट्स इट। अब इस स्टेप के बाद n में क्या आ गया होगा, नंबर आ गया होगा, राइट। अब हमें प्राइम डिजिट्स को प्रिंट कराना है तो सबसे पहले हमें डिजिट्स को निकालना पड़ेगा। तो डिजिट्स को निकालने के लिए क्या तरीका है, वाइल लूप लगाएंगे, वाइल n नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और एक d नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें डिजिट्स को स्टोर कराएंगे, d इक्वल टू n मॉडुलस 10। किसी भी नंबर को अगर आप 10 से मॉडुलस लोगे तो क्या आ जाएगा, लास्ट डिजिट आ जाएगी उसकी, ठीक है। तो d में हमें डिजिट मिल गया। अब क्या करना है, अब ये चेक करना है कि d अगर प्राइम है कि नहीं। इफ d प्राइम है, राइट, तो क्या कर देंगे हम लोग, इसको प्रिंट कर देंगे, राइट। अगर d प्राइम नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी प्राइम नंबर के लिए कोड कर सकते हो, लेकिन बेहतर यही है कि आप क्या बना लो, एक फंक्शन बना लो। तो यहाँ लिखते हैं INT इज प्राइम, और इस प्राइम नंबर का फंक्शन है जो कि n रिसीव करता है, एक नंबर रिसीव करता है, और वो चेक करेगा प्राइम है कि नहीं। सबसे बेसिक तरीका लगाते हैं प्राइम नंबर चेक करने का, बहुत सारे तरीका हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन हम लोग इस प्रोग्राम के लिए सबसे बेसिक तरीका यूज़ करेंगे जो कि फैक्टर्स को काउंट करेगा। जैसे अगर 5 कोई नंबर है, 5 क्या है, प्राइम, क्यों, क्योंकि इसके दो ही फैक्टर है, 1 एंड 5। एक और नंबर लेते हैं 9, 9 प्राइम नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 1, 3 एंड 9। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट, जिसकी वैल्यू ले लेते हैं 0, राइट। और एक और वेरिएबल ले लेते हैं आई फॉर द लूप, और लूप चलाते हैं फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n एंड आई प्लस प्लस। और यहाँ लिखते हैं इफ n मॉडुलस i, इट मीन्स कि अगर i डिवाइड कर पा रहा है n को, ठीक है, डबल इक्वल टू 0, डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स कि i फैक्टर है, और फैक्टर है तो हम क्या कर लेंगे, काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर लेंगे, दैट्स इट। और चेक करेंगे इफ काउंट डबल इक्वल टू 2, अगर काउंट की वैल्यू 2 है इट मीन्स वो प्राइम है, जैसे 5 के केस में हुआ था। तो प्राइम के केस में हम क्या रिटर्न कर देते हैं, return 1। अगर प्राइम नहीं है तो क्या रिटर्न कर देते हैं, return 0। सिंपली 1 इंडिकेट कर रहा है कि जो भी नंबर इनपुट किया गया वो प्राइम है, 0 क्या इंडिकेट कर रहा है, जो भी नंबर इंटर किया गया वो प्राइम
नहीं। तो यहां पर एक इफ नाम का फंक्शन लगा लेते हैं, इफ, और लिख लेते हैं इज प्राइम। इस प्राइम फंक्शन को कॉल करते हैं और डी को पास कर देते हैं। अगर वो रिटर्न करता है वन, इट मींस कि जो नंबर इनपुट किया था हमने, जो दिया था वो क्या था, प्राइम था। तो क्या कर लेंगे हम लोग, डी को प्रिंट कर लेंगे, दैट्स इट। अगर ये प्राइम नहीं है तब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब नंबर को रिड्यूस कर लें, नहीं तो बार बार एक ही डिजिट आएगा। तो यहाँ लिखते हैं एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10, और लास्ट में यहाँ क्या लिख लेंगे, रिटर्न 0। अब रन करके देखते हैं। तो नंबर एंटर करते हैं 3, 4, 6, 7। तो इसमें से कौन से डिजिट प्राइम है, 3 and 7। हमारे स्क्रीन पर आउटपुट आना चाहिए 3 and 7। ठीक है, तो ये आउटपुट क्या आ रहा है, 7 and 3। हम लोग क्या बोल रहे थे, 3 and 7। तो आप समझ सकते हो जैसे मॉडुलस लेते हैं आप, 3, 4, 6, 7, इसका मॉडुलस लेते हो आप 10 से, ठीक है। तो 10 से मॉडुलस लेते हो तो लास्ट वाला डिजिट मिलता है 7, ठीक है। फिर डिवाइड करके 6 मिल रहा था, इसलिए हमें उल्टा मिल रहा है, पहले 7 मिल रहा है देन 3 मिल रहा है। अगर आपको स्टार्टिंग से चाहिए जिसे पहले 3 मिले फिर 7 मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।